क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट 1101 डिवाइडेड बाय 101 1101 डिवाइडेड बाय 101। अब 11011 इसको डिवाइड करेंगे 101 से, तो 101 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 हो गया 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 5। ये तो 5 है, और अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 इससे छोटा है, तो 0 ये 1 आ गया, फिर 1 और उतारा यहाँ पर 1 1। 1 1 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 0, यानी कि ये तो हो गया 1 into 2 की पावर 0 और ये हो गया 1 into 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 plus 1 3, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। 101 0 था, यहाँ पर भी 0 आ गया, ये 1 1 आ गया as this, फिर 0 नीचे उतारेंगे 110। अब 110 क्या हो जाएगा? 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, तो ये हो गया 4 प्लस 2, ये हो गया 6। तो ठीक है, ये इससे बड़ा है, तो 101 बन जा, तो ये आ जाएगा 101। अब 0 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर से इसने बोरो ले लिया, इधर से इसने बोरो लिया तो यहाँ तो आ गया 2। ठीक है, यहाँ जो है जब इसने बोरो दे दिया यहाँ पर, तो इसके पास क्या बचेगा? यहाँ 1 था, तो 1 का मतलब इसने यहाँ पर इसको बोरो दे दिया, तो यहाँ इसके पास अब कितना बच जाएगा? 0। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। और 0 माइनस 0 हो गया 0, और 1 माइनस 1 हो गया अगेन 0, तो 0 0 1। फिर ऊपर से हमने 1 उतार लिया, तो फिर 1 1 हो गया, 1 1 भी इसके टेबल में नहीं आता, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 1 1 माइनस 0 ये हो गया 1, फिर 1 1 और उतार लिया नीचे, तो ये हो गया 111। 111 ऑब्वियसली 101 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 लगा दिया 101। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0, तो ये तो हो गया रिमाइंडर। और 101 हो गया क्वेश्चन, बताइए ये क्या होगा आंसर? फोर्थ का थर्ड पार्ट ना, फोर्थ का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 1010 और रिमाइंडर है 1। रिमाइंडर गलत दे रखा है उन्होंने, रिमाइंडर तो 10 आ रहा है, बताइए जी समझ गए? यस। ठीक है, रिमाइंडर 10 है और क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है 101, वो उन्होंने लास्ट में 0 लिखा हुआ है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चले आगे। यस। चलिए जी, कल लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने उठाया था लॉगरिथम स्टार्ट करा था, तो लॉगरिथम वाले चैप्टर में बिल्कुल आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया था, अब वहीं से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इसके। मैंने आपको जो लॉगरिथम का फॉर्मूला बताया था वो ये था कि अगर log to the base a और m दे रखा है यहाँ पर is equal to x, तो ये log हट जाता है, इधर आ जाता है a की पावर x is equal to m, है ना? या आप याद रखने के लिए ये आसान रखिएगा कि ये जो बेस a है ये इधर चला जाता है और log हट जाता है यहाँ से, मतलब n is equal to a की पावर x, ये हो जाता है, समझ गए? अब इसी के बेस पर आगे क्वेश्चंस करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लॉग फर्स्ट है लॉग टू द बेस 9 और 81, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप x मान लीजिए, log 81 टू द बेस 9, इसको आप x मान लीजिए, यहां लिख दीजिए से
मैंने इसको x मान लिया तो log हट जाएगा और ये इधर चला जाएगा 81 is equal to 9 की पावर x। यहाँ इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 2 is equal to 9 की पावर x। जब बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वेट हो जाएगी, यानी कि x is equal to 2 आ गया। ठीक है, बताइए समझ में आ गया? Yes sir। आप ये देखो log 81 to the base 9, किसी को तो मैंने x माना था और x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? प्रियांशी, प्रतिम, अश्मी, बताइए। Yes sir। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है log to the log 0.0001 to the base 10, log 0.0001 to the base 10। तो इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो बेस 10 है ये इधर चला जाएगा और log हट जाएगा यहां से। 0.0001 is equal to 10 की पावर x। यहां से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1 और फिर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 अपॉन 10 की पावर 4 is equal to 10 की पावर x। और इसको क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर minus 4 is equal to 10 की पावर x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है लॉग 4 टू द बेस रूट 2, 4 टू द बेस रूट 2 ये है। इसको आप x मान लीजिए तो ये log हट जाएगा और ये हो जाएगा रूट 2 की पावर x। ठीक है, इस 4 को मैं क्या बोलूंगा, 2 की पावर 2, और इस रूट 2 को मैं क्या बोलूंगा, 2 की पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, और पूरे की पावर क्या थी, x। अब पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन 2 इनटू x क्या हो गया, x बाय 2। तो इसका मतलब x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, 4। बताइए कि ठीक है? यस सर। तो ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं। देखिएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है log log 1 upon 32 to the base 2, log 1 upon 32 to the base 2। इसको आप x मान लीजिए तो log हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 की पावर x, और इधर रह जाएगा 1 upon 32 is equal to 2 की पावर x। 1 upon 32 को क्या बोलेंगे, 1 upon 2 की पावर 5 is equal to 2 की पावर x। ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आके 2 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बस नेक्स्ट करवा दो। फोर्थ पार्ट है, इसके बाद में फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में है, अच्छा फिफ्थ पार्ट ही नहीं, ठीक है हो गया ये एग्जांपल कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है log x to the base 2 is equal to 3, log
एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू थ्री, ये क्या हो जाएगा, इधर लॉग हट जाएगा और ये बन जाएगा टू की पावर थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, टू की पावर थ्री, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई एट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी को? यस यस सर। ओके, लॉग एक्स टू द बेस नाइन, log x to the base 9, x to the base 9 is equal to 2.5, ये दे रखा है 9 की पावर 2.5। हाँ, तो x is equal to हो जाएगा 9 की पावर 2.5, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं अभी सॉल्व, और हम क्या करेंगे, जैसे x है तो x is equal to 2.5 का मतलब हो गया 5/2, तो 9 की पावर 5/2, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 5/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x is equal to 3 की पावर 2 into 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x is equal to 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, तो 3 × 9 × 27 × 81 × 243, तो x की वैल्यू आ गई 243। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है थर्ड पार्ट में log x to the base 81 is equal to 3/2। log x to the base 81 is equal to 3/2, x is equal to 81 की पावर 3/2, x is equal to 9 की पावर 2 की पावर 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर की पावर 2 से 2 कट गया, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 क्या हो जाएगा 729, x की वैल्यू आ गई 729। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, log x to the base root 2 is equal to 4, तो ये जो root 2 है ये आ जाएगा root 2 की पावर 4 बन जाएगा, इधर x is equal to root 2 की पावर 4, तो x is equal to root 2 को मैं क्या बोलता हूँ, 2 की पावर 1/2 पावर 4, तो 2 × 2 = 4, तो ये क्या बचा, ये बचा x is equal to 2 की पावर 2 मतलब 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, x plus each of the following in exponential form, एग्जांपल 3, express each of the following in exponential form, first part dekhiyega, first part mein kya diya hai mujhe, log 64 to the base 2 is equal to 6, log 64 to the base 2 is equal to 6, तो अगर ये दे रखा है तो सीधा सीधा है लॉग हटा देंगे और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, तो 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ये आ गया इसका आंसर, समझ गए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर में रखकर कुछ आपको इसको एक्सप्रेस करना, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में है लॉग 0.01 टू द बेस 10, लॉग 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2,
तो लॉग हट जाएगा और 10 की पावर माइनस टू 0.01 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस टू, ये हो गया ठीक है। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 4, इफ लॉग y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, इफ लॉग y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 2x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y tan की पावर 2x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। तो जो चीज गिवन है पहले तो उसको देखते हैं, ये भी रखा है log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, लॉग हट जाएगा ये हो गया y इज इक्वल टू 10 की पावर x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, हमें वैल्यू निकालनी है 10 की पावर 2x की। तो 10 की पावर 2x कैसे निकलेगा, 10 की पावर x इज इक्वल टू y, 2x कैसे बनेगा अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, आप लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया 10 की पावर x का स्क्वायर और ये क्या हो गया y का स्क्वायर, और पावर की पावर मुझे मालूम है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया 10 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो 10 की पावर 2x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, समझ में आ गया? यस सर। अश्विन, प्रतिम, यस सर, समझ गए? ठीक है ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा क्या है, इफ लॉग एक्स टू द बेस 10, इफ लॉग एक्स टू द बेस 10, इफ लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू a, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर a माइनस 1, 10 की पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब देखिएगा जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से चलेंगे, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a दे रखा, log हटा दीजिए और ये बन जाएगा 10 की पावर a, x is equal to 10 की पावर a, इक्वेशन नंबर 1, मुझे निकालना है 10 की पावर a माइनस 1, तो 10 की पावर a माइनस 1 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 1 बोथ साइड्स, तो x मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, x अपॉन 10 इज इक्वल टू ये हो गया 10 की पावर a माइनस 1, तो 10 की पावर a माइनस 1 की वैल्यू निकालनी थी मुझे x की टर्म्स में, वो आ गई x अपॉन 10, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बताइए प्रिया जी, यस सर, ओके सर, आ गया, ओके okay. अच्छा पूरा ना 1 घंटा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैंने ना क्लास कुछ शेड्यूल कर रखी थी तो शेड्यूल आज ऊपर नीचे हो गया, मैं आपको 3:15 पर छोड़ दूंगा, 3:15 तक पढ़ाऊंगा बस,
एग्जांपल नंबर सिक्स देखिए. एग्जांपल नंबर सिक्स में क्या है, इफ लॉग वाई टू द बेस थ्री इज इक्वल टू एक्स, इफ लॉग y to the base 3 is equal to x and log z to the base 2 and log z to the base 2 log z to the base 2 is equal to acha ye bhi x ke barabar hai is equal to x. Find 72 ki power x. Find 72 की पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z. y और z की टर्म्स में आप बताइए 72 की पावर x क्या होगा. 72 की पावर x ये बताना है. तो आप ये देखिएगा, यहां मेरे पास एक तो ये दे रखा है log y टू द बेस 3 is equal to x और दूसरा दे रखा है log z to the base 2 is equal to x. तो यहां से log हट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर x. दूसरा इधर से भी log हट जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर x. ये हो गया. तो y भी आ गया अब x की टर्म्स में और z भी आ गया x की टर्म्स में. अब मुझे क्या करना है, 72 की पावर x निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले बताइए यहां तक समझ गए? यस सर. यस सर. है ना. अब इसके बाद 72 की पावर x करना है, तो आप क्या करिए, 72 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो. आपने लिया 72 और प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. हां जी हो जाएगा. तो 236000. फिर दोबारा से 2 से सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं, फिर से 2 से ट्राई करेंगे तो 218000. ठीक है हो गया. फिर 2 से करेंगे, हां जी हो गया 2918. लेकिन अब 2 से नहीं होगा, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 3. तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3. तो 72 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार. 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार. 3 की पावर 2 ये हो गया हमारे पास. ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया. अब मैं इसमें क्या करूंगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं. जैसे मेरे पास 3 की पावर x है, 3 की पावर x इज इक्वल टू y एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू z. ये है. यहां पर आप क्या करिए, पहले एक को लेकर चलो बस, फर्स्ट इक्वेशन को. 3 की पावर x इज इक्वल टू y. मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 3 की पावर 2 चाहिए. तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर. अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है. यहां पर क्या करना है वो आप भी देखिएगा जरा. मैं क्या करूंगा, जब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो चाहे आप x यहां लिखो और 2 यहां लिखो, चाहे 2 अंदर लिखो और x बाहर लिखो, बात तो वही है, 3 की पावर 2x ही बन जाएगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर. 3 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 किससे आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू z.
मुझे चाहिए 2 की पावर 3, तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x की पावर 3 इज इक्वल टू z की पावर 3। x की पावर 3 है, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x into 3 करो या 3 into x करो, एक ही बात है, 3 अंदर ले आओ, x बाहर ले जाओ। 2 की पावर 3 की पावर x is equal to z cube, ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, मल्टीप्लाई 3 एंड 4, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो LHS से LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर इनटू z क्यूब। जब दोनों पावर सेम होती हैं और बेस अलग अलग होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई होकर कॉमन पावर लिख देते हैं, ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 इनटू 2 की पावर 3 इसकी होल पावर x, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, a की पावर x इनटू b की पावर x, इसका मतलब होता है ab की होल पावर x। ये मेरी बात समझ में आ गई, ये वाला समझ में आ गया इतना? यस सर। बताइए कृतिक, प्रियांशी, दोनों क्लियर है? यस सर। ओके, y स्क्वायर z क्यूब, अब 3 की पावर 2 इनटू 2 की पावर 3 ये क्या है, 72, तो 72 की पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर z क्यूब, तो ये आंसर है इसका, बताइए क्लियर? यस चलिए जी, ये हो गया, इसके बाद देखेंगे अगला एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है, इफ log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, इफ log x to the base 3 is equal to a, find the value of 81 की पावर a minus 1, find the value of 81 की पावर a minus 1 in terms of x, x की terms में निकालना है, अब देखिएगा log x to the base 3 is equal to a, log हट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर a, ये हो गया, मुझे निकालना है 81 की पावर a minus 1, तो हम क्या करेंगे, taking power 4 on both sides, पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर a की पावर 4, अब a की पावर 4 का मतलब a और 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अब चाहे a इनटू 4 करो चाहे 4 इनटू a करो, a की बात है 4 a ही आएगा, ये हो गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 की पावर a, x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो ये हो गया 81 की पावर a, ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं 81 की पावर a माइनस 1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 81 की पावर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया x की पावर 4 इनटू 81 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 81 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 81 की पावर माइनस 1, ये हो गया, अब देखिएगा ये 81 की पावर माइनस 1 है, ये डिनोमिनेटर में आकर नॉर्मली 81 बन जाएगा,
तो ये हो गया एक्स की पावर 4 अपॉन 81 इज इक्वल टू 81 की पावर ए माइनस 1। मुझे यही वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर है। बताइए तो समझे? ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 8। इफ इफ लॉग x to the base 5 is equal to a, x to the base 5 is equal to a, and log y to the base 2 is equal to a, find 100 की power 2a minus 1, find 100 की पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x माइनस x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू a। इसका मतलब log हट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर a। इसी तरह से log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू a, log हट जाएगा ये बन जाएगा 2 की पावर a, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर a। अब क्या बनाना है, 100 की पावर 2 a माइनस 1। तो आप क्या करो कि पहले 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2, 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 25, फिर 5 से करेंगे 5, 5, 1, तो 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 चाहिए और 5 की पावर 2 चाहिए। अब मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 5 की पावर a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर a की पावर 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आप 2 को अंदर ले आओ 5 को बाहर रख दो, 5 की पावर 2 की पावर a, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था, y इज इक्वल टू 2 की पावर a, यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर a का स्क्वायर, यहां भी 2 अंदर ले जाओ a बाहर ले जाओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाई 3 एंड 4, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 5 की पावर 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 की पावर a, x स्क्वायर y स्क्वायर जब दोनों की पावर सेम होती है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस की पावर a, x स्क्वायर y स्क्वायर ये कितना हो गया, ये हो गया 100, 100 की पावर a। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100 सर 100 की पावर माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे ना एक बार। एक मिनट, अभी क्या करेंगे, 100 की पावर 2a माइनस 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्क्वायर करूंगा इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि 100 की पावर 2a बन जाए, समझ रहे हो, समझ गए क्यों करा, 100
100 की पावर 2 में माइनस 1 चाहिए, तो पहले मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 की पावर a का स्क्वायर। ठीक, जब स्क्वायर हो जाता है या कोई भी पावर हो जाती है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो राइट हैंड साइड पर तो बन जाएगा 100 की पावर 2a और लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा x की पावर 4 इंटू y की पावर 4, x की पावर 4 इंटू y की पावर 4 इज इक्वल टू 100 की पावर 2a मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 की पावर माइनस 1, x की पावर 4 y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 100 की पावर 2a मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर माइनस 1। ये हो गया x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 की पावर 2a माइनस 1। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है प्रियांशी, बताओ क्लियर? अस्मि ठीक है। एग्जांपल नेक्स्ट देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of log 1728 to the base 2 root 3 log 1728 to the base 2 root 3 ये निकालना है, तो इसको x के बराबर मान लो। It implies that 1728 is equal to 2 under root 3 की power x। छोड़ दूं, कर दोगे अपने आप? नहीं, तो ये तो देखिए कैसे होगा, 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले 2 से करेंगे डिवाइड, 28 इज अ 16 और 26 इज अ 12 और 24 इज अ 8, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 24 इज अ 8, 23 इज अ 6, 22 इज अ 4, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 22 इज अ 4 एंड 216 इज अ 32, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 पंजा 2 ये हो गया 108, फिर 2 से करेंगे ये हो गया 54, फिर 2 से करेंगे ये हो गया 27, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 1728 is equal to 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय की पावर 3, ठीक है, ओके। अब 1728 इज इक्वल टू 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई रूट 3 की पावर x, या ऐसे ही हो 2 root 3 की होल पावर x, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 1728 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इनटू 3 की पावर 3, और ये हो गया 2 root 3 की पावर x। इतना करने के बाद में बस एक काम कर लो, ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 है सर, रूट 3 की पावर 6, रूट 3 की पावर 6 लिखा जा सकता है इसको, ये हो गया 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, ये तो मैं लिख सकता हूँ 3 को, और पावर क्या थी,
उसकी पावर क्या थी? 3, है ना, इज इक्वल टू 2√3 की पावर एक्स, ये है। तो ये 2√3 का कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू रूट 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 2√3 की पावर एक्स, ये बन गया 2√3 की होल पावर 6 इज इक्वल टू 2√3 की होल पावर एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। बताओ चारों बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक एक्सरसाइज 3.1, ये आप करिएगा और मुझे बताओ कल सुबह 7 बजे रख लूँ क्लास? स्कूल होता है 8 बजे से। हाँ कोई बात नहीं, 7 बजे रख लूँ क्लास? छोड़ दोगे ना क्योंकि कल हाफ ईयरली है पहला। हाँ हाँ 7:45 तक छोड़ दूंगा। ओके सर, रख लो। बताओ मन्नत, अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन थोड़ी सी ज्यादा क्लास लूंगा, लगभग 6 या 7 तारीख तक। ओके सर। प्रियांशी, अश्मी, दोनों बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अश्मी, आवाज नहीं आ रही अश्मी, बोलो जल्दी। सर सही है, बस तो 7 बजे सही है। हाँ 7:45 तक छोड़ दूंगा, अभी कुछ दिन कर रहा हूँ, ऐसे कुछ दिन कर रहा हूँ, थोड़ा सिलेबस ज्यादा खींचना है मेरे को, कृतिम का एग्जाम है 9 तारीख को। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ, और मैं अप्लाइड मैथ्स का एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ।